अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 और हमारा काम खत्म। एग्जीक्यूटिव ऑफिस से छुट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। गांव का थोड़ा बहुत काम जो है वो ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं गुजरांवाला। बच्चे जो है वो काफ़ी मिस कर रहे थे, मैं भी उन्हें और वो मुझे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ उनके पास। तो पापा की गुड़िया ने जो है वो गिर के फिर से एक दफ़ा चोट लगवा लिया, जहाँ से पहले एक दफ़ा सर इसका फटा था वहाँ से गिरने के बाद फिर से एक दफ़ा जो है उसने वो चोट लगवा लिया। और बच्चों का गिरना जो है वो तो बस पक्की बात है ना। अब्दुल्ला साहब जो नीचे खेल रहे हैं अभी आते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात से हम यहाँ हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ टाइम स्पेंड करने का। सबसे पहले तो आके मैंने कटिंग वटिंग करवाई है ना यार, बड़ी जो है वो काम में मशगूल, वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं निकल सका था किसी कटिंग वटिंग का या किसी भी चीज़ का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे तो इन्जॉय करते हैं बच्चों की कंपनी और आपके साथ भी शेयर करते हैं बच्चों की मस्तियाँ और बच्चों के साथ जो हमारी इंटरटेनमेंट है वो। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो कहने तक देखिएगा, अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। जहरा जी आगे खेलना शुरू हो गई है सब्जी के साथ जो कि लगाई हुई है यहाँ पे माविया ने, धनिया, और ये लगी हुई है जी ज़ाफ़रान, जिसको अभी तक फूल छूल तो नहीं लगे, अलबत्त बच्चे ख़राब ज़रूर कर रहे हैं। ये भी ज़ाफ़रान के पौधे हैं, इनमें भी कुछ चीज़ें लगाई थी माविया ने जो कि नहीं। ये कुछ पालक के आसार नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक बीज ये लगा हुआ है पता नहीं कि सब्ज़ी का, मिर्च का पौधा एक जो अभी तक चल रहा है, इसमें टमाटर भी लगे हुए थे लेकिन मिर्च ही रह गई है। फूलों के पौधे और ये एक अखलौता टमाटर का पौधा बचा है जो कि खुश्क होने के तकरीबन करीब है। इस टाइम असद साहब जो हैं वो अकेले गांव हैं अबू जान और भाई मुबारक के पास। मिस्टर आसिम क्या हाल है, कैसी जा रही है आपकी स्टडीज? जा नहीं रही कहीं भी, जाने नहीं देना, पकड़ के रखना। खैर मुश्किल क्वेश्चन बच्चों के लिए, प्रोग्राम ये है, बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं केक की, तो लेके आते हैं उनके लिए सबसे पहले केक। तो मेरा प्रोग्राम था लेके आते हैं केक, लेकिन मिसेज ने मशवरा दिया कि केक जो है वो घर में तैयार कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह कफायत शायद मिसेज का ये फ़ायदा और बचत हो जाएगी हमारी। जो केक मुझे बाहर से मिलना है वो 600 रुपये पाउंड 700 रुपये पाउंड के हिसाब से, वो घर में तकरीबन 300 रुपये में तैयार हो जाएगा। तो घर में केक तैयार करते हैं बच्चों के लिए। आप जी अब्दुल्ला साहब भी देने आ गए, अब्दुल्ला साहब मुझे चाबी देने आए मोटरसाइकिल की, लेकिन हम पैदल जाके लेके आते हैं, ठीक है? नहीं, मोटरसाइकिल पे जाए। खैर चलते हैं जी हम, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफिज़। नहीं मैं यहाँ से साथ वाली दुकान से लेके आनी, मैं पैदल भाग के लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी आ जाता हूँ। अब्दुल्ला सब जल्दी, ठीक है जल्दी जल्दी जाके ले आए। तो अपने महंगे वाले भाई की दुकान पे आ गए हैं हम। समय भी क्या हाल है, कोई किया है डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट के नहीं अभी? डिस्काउंट ऑफर 6000 पे लगी हुई है, मैं तो पता है महंगा ही है। यानी आपने बाज नहीं आना है? नहीं नहीं। मैदा है? मैदा है। आधा किलो कितने का मिलेगा? 100 रुपये। मैंने कहा अगर इसके ऊपर आके 10-20 होते ना वो मैंने आपको देने नहीं थे। हाँ यानी 90 का था, मैंने 100 बता दिए। सही हो गया। वैसे एग्जैक्ट रेट क्या है? 100 तो मेरे लिए हो गया ना, 100 आपके लिए है। हाँ। एग्जैक्ट भी यही रेट है। मान लेते हैं फिर, समय भी कह रहे हैं तो। पहले जो केक तैयार किए हैं वो मैंने सादा से एक स्पॉन्जी केक ही तैयार किया था, तो आज मेरा प्रोग्राम ये है कि चॉकलेट फ्लेवर देते हैं उसे, उसके लिए कोको पाउडर लेके देंगे। वैसे ये बेकिंग पाउडर की जगह इस्तेमाल होगा कि ये अलहदा से उसके साथ साथ फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होगा? ये मेरे ख्याल में कोको पाउडर फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होगा। वाओ, ये भाई इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं साथ में प्रोडक्ट की। अंडे के साथ दर्जन है? 270 रुपये। आधी दर्जन वो भी कह दे। ये हो गया जी मैदा, कोको पाउडर, किसान के लिए किसान ब्रांड वाह, और अंडे किस ब्रांड के? अभी अंडे के ऊपर नहीं लिखा हुआ, स्टैंप नहीं लगी हुई यार ये, मैंने नहीं इसके पूरे पैसे नहीं देने आपको, स्टैंप के पैसे कटेंगे। स्टैंप गौर करें ना इसके ऊपर कितनी स्टैंप्स लगी, वो मुर्गी की लगी कंपनी की नहीं लगी हुई। टोटल बना जी हमारा 335 रुपये और हम देंगे उसामा भाई को 330 रुपये। मैंने खुद ही 330 काटे, मुझे पता 500 रुपये मिलने की जो है ना उम्मीद नहीं है। शुक्रिया भाई, देखिए मैं 170 ही दे रहा हूं। शुक्रिया डिस्काउंट के लिए, महंगा सिर्फ हम इसे इन्हें कहते हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रेट मुनासिब है उसामा भाई, ये सिर्फ प्यार है उसका हमारे साथ और हमारा उनके साथ, है ना? आपस की बात, मिलते हैं इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो, स्पारा पढ़ने? ओके ध्यान से जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज़। बंजार बांजी भी जा रहे थे इस पारा पढ़ने।
पहले डिमांड थी बच्चों की, जी लेके आए हमारे लिए केक। जब केक का मटेरियल आया तब क्या लेना है आपने? बिस्किट खाने। तो शुरू हो गई थी केक की प्रोसेसिंग। दूध में चीनी डालने के बाद हमने डाल लिया ब्लेंडर में, इसे एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मजीद इसकी जो प्रोसेसिंग है वो आप मेरी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं केक बनाने का तरीका। बस इसमें कोको पाउडर जो है वो ऐड किया है मैंने चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। तो आज बच्चों को खिलाते हैं चॉकलेट केक इंशाल्लाह। केक तैयार करने के बाद अब मिलते हैं आपसे। केक का मटेरियल तैयार करके चूल्हे पे हमने रख दिया ओवन की शक्ल क्रिएट करके, और बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह केक हमारा जो है बेहतरीन तैयार हो गया। कलर उस तरह से चॉकलेट वाला डार्क थीम है ना, मैंने कोको पाउडर जो उसका कम यूज़ किया था। खैर इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है अंदर से। इस प्लेट में हम निकालेंगे ये वाला मज़ेदार सा जो केक हमने तैयार किया। इस तरह बच्चों ने केक खाना शुरू कर दिया। केक हमारा आज जो है वो बिल्कुल सही तैयार नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं कह सकते थे, बस सही तैयार नहीं हुआ। खैर बात में मुझे याद आई मेरी पासपोर्ट की, तो अभी मैंने खोल के देखा तो यार ये एक्सपायर हो गया हुआ है, और इंशाल्लाह इसकी किसी भी टाइम ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसको जो है वो रिन्यू होना चाहिए। तो मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि इसको जो है वो रिन्यू करवाते हैं। आज तो जा नहीं सकेंगे, इसके लिए हमें सुबह ही निकलना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफिस जो है वो सुबह तकरीबन 7-8 बजे खुल जाते हैं, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है वहाँ से करवाएंगे, उससे उसमें काम जो है वो सुना जल्दी हो जाता है। तो इंतज़ार करते हैं आप सुबह का, बाइक निकालते हैं बाइक जल्दी जल्दी। ऑलरेडी जो है हम लेट हो गए हैं आज। तो ये जी हमारा पासपोर्ट तैयारी हमने कर ली है, जल्दी जल्दी निकलते हैं। 8 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना था, लेकिन अभी टाइम जो है वो 8:30 का हो चुका है, मुझे घर में चलते हैं और देखते हैं अब कब तक और कितनी देर में हमारा नंबर आता है पासपोर्ट ऑफिस का। मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर था ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस, यहाँ पहुँच गए। अब देखते हैं बाकी कार्रवाई के लिए कितना टाइम लगता है। माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में, फॉर्म वगैरह मेरा भी फिल हो गया, अब जाके फीस वगैरह सबमिट करवाते हैं, उसके बाद बाकी की प्रोसेसिंग जो भी वो भी इंशाल्लाह। फीस के बाद इंफॉर्मेशन काउंटर से हमें मिलेगा टोकन, और उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा बाकी पासपोर्ट का। मज़े की बात यह है कि कॉपी की सहूलत भी जो है वो ऑफिस के अंदर ही मौजूद है, जो फ्री ऑफ चार्ज आपसे जो है वो आपको मिल जाएगी। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी बारी का, देखते हैं कब तक होता है या कितना करना पड़ता है। सैतालीस के भी भर गए लेकिन 78 नंबर को काउंटर पे बुला रहे हैं, देखिए अब क्या बनता है। टाइम हो गया 10:15 भाई, ये भाई देखते हैं बाकी के 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 5 मिनट लगे और मेरा जो फॉर्म जो तैयार हो गया, अब ये सबमिट करवाते हैं और उसके बाद हमारी छुट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 और हमारा काम हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिस से छुट्टी। अब देखते हैं मतलब डेट के मुताबिक उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 दिन बाद आके लेके जाना पासपोर्ट इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पासपोर्ट की जो है सबमिशन हो गई सारी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है वो निपट गया। अचानक से मेरी ब्रेन में ख्याल आया और पासपोर्ट जब मैंने देखा तो वो एक्सपायर था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में बल्कि 2 घंटों में हमारा जो है ये काम हो गया, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस का ये मुझे फ़ायदा हो गया। खैर थोड़ा इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन मजीद जो आपके साथ शेयर करने वाली चीज़ थी, मुझे मैंने अर्जेंट में बनवाया, 8 दिन का मुझे टाइम मिला है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, लेकिन सर ने मुझे बताया कि आप 2 दिन जो है वो मजीद इंतज़ार करने के बाद आइएगा, क्योंकि पासपोर्ट की काउंटिंग जो है बहुत ज़्यादा और काम में बर्डन ज़्यादा। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।